नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज और हम बात करेंगे आज के जासी फल के बारे में। आज के पंचांग के अनुसार 26 नवंबर 2022 को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 7:28 तक रहेगी। आज का पूरा दिन पार करके देर रात 1:14 तक शूल योग रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि फल यानी एरिस की, तो जिस विषय की जानकारी नहीं है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता होगी। खुद के प्रयत्नों से ही समस्याओं के हल प्राप्त होंगे। भावनाओं में बहकर किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दे वरना दिक्कतें हो सकती हैं। अगर बात करें वृषभ राशि फल यानी टोरस की, तो मानसिक रूप से उतार चढ़ाव महसूस होगा। इसका असर काम पर भी हो सकता है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय के कारण परिवार के कुछ लोग नाराज रहेंगे, लेकिन कुछ लोग आपका साथ भी देंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि फल यानी जैमिनी की, तो पैसों से संबंधित चिंता रहेगी। काम पर ध्यान देना होगा। आगे बढ़कर किसी बड़े काम पर नियंत्रण करने की कोशिश न करें। स्वभाव में जितना अधिक लचीलापन रखेंगे उतनी आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि फल यानी कैंसर की, तो विचारों में आ रहे बदलाव के कारण सोच में भी बदलाव होगा। जिस प्रकार से मानसिक स्थिति सुधरेगी उसी प्रकार से आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें सिंह राशि फल यानी लियो की, तो अपनी संकल्प शक्ति बरकरार रखते हुए कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता है। अन्य लोगों के अहंकार और गुस्सा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपना पक्ष शांति से समझाने की कोशिश करें। अगर बात करें कन्या राशि फल यानी वर्गो की, तो जिस लक्ष्य के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं उससे संबंधित मेहनत और बढ़ाने की आवश्यकता है। व्यर्थ बात की वजह से अपनी एकाग्रता भंग न होने दें। यदि मानसिक रूप से आप स्थिर हैं तब भी अन्य लोगों से मदद करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं तुला राशि फल यानी लिब्रा की, तो लोगों के साथ ठीक से बात न होने से गलतफहमी हो सकती है। इस कारण तनाव रहेगा। काम से संबंधित बातों पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। पुरानी बुरी बातों के बारे में विचार करके वर्तमान का निर्णय न बदलें। अगर बात करें वृश्चिक राशि फल यानी स्कॉर्पियो की, तो आपके किसी निर्णय को अन्य लोगों के दबाव के कारण बदलना पड़ सकता है। ये मानसिक रूप से कठिन होगा। व्यक्तिगत जीवन में अन्य लोगों की दखल अंदाजी को किस हद तक बर्दाश्त करना है इस बारे में विचार जरूर करें। अगर बात करें धनु राशि फल यानी सजिटेरियस की, तो अधिकतर बातें मर्जी के अनुसार होने से प्रसन्नता रहेगी। आर्थिक चिंता दूर होगी। पुरानी कर्ज खत्म करने के लिए किए गए प्रयत्न की वजह से आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि फल यानी कैप्रिकॉन की, तो जीवन शैली में बदलाव करने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होंगे। आर्थिक पक्ष भी अपेक्षा के अनुसार मजबूत बना रहेगा। बेकार की चिंताएं दूर होंगी। अगले कुछ दिनों में बड़ी खरीदारी हो सकती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि फल यानी एक्वेरियस की, तो चिंताओं को दूर करने के लिए करीबी व्यक्ति से मदद मिल सकती है। भावनात्मक रूप से आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन परिवार के लोग आपका पूरा साथ देने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें मीन राशि फल यानी पाइसेस की, तो जिस काम में आप पारंगत है केवल उससे संबंधित जिम्मेदारियों को अपनाने की कोशिश करें। आगे बढ़कर नई बातें सीखना आपके लिए आवश्यक होगा। आपको योग्य लोगों का साथ प्राप्त होगा। धन्यवाद।